दोस्तों, क्या आप भी मछली खाना चाहते हैं? आप गाजीपुर मंडी का रेट जानना चाहते हैं? क्या क्या मछली आता है, सब कुछ हम ए टू जेड बताने वाले हैं। तो हम इस पूरे मंडी को आपको घुमाने वाले हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी मंडी, यानी दिल्ली भर में यहाँ से माल सप्लाई होता है। तो हमारे साथ साथ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जरूर। कितनी तरह की मछली है? और इधर सफेद टूना है, उसके बाद फुलसा मछली, और इधर देख सकते हैं ये कौवा मछली भी है, उधर माही मछली है, फिर उधर दो टूना मछली है। ये भाई बेच रहे, देखिए। तो रेट कुछ रेट? हाँ भाई, ये सफेद टूना क्या रेट है? 160 रुपये किलो ये सफेद टूना है भाई। और किसी का रेट जो तुमने पूछा है ना, उसका यहाँ पर सफेद टूना के बाद पूछते हैं हम इसका। ये कौवा मछली 160 रुपये, 150 का लगा देंगे। मोजा, वो माही मछली है क्या? माही मछली वो क्या रेट? 150। खैरा क्या रेट? ये 100 रुपये किलो। ठीक है, तुम्हारा भी लाओ। ठीक, सिलन मछली। अगर इस मछली को आप पंखा की मछली बोल रहे हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, इस मछली को कहते हैं सिलन मछली। ये बिल्कुल दिखने में पंखा जैसा ही लगता है, लेकिन इस मछली की नस्ल अलग है। यहाँ पर आपको कुछ पापलेट है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 750 रुपये किलो। इस तरह का पापलेट देखिए साइज, और जो है ना ये ताज़ा भी है। इस मछली को वैसे तो बर्फ में रखते हैं क्योंकि जल्दी से ख़राब नहीं होता। उसके बाद गाइस, ये है बादाम मछली। बादाम मछली ऊपर से एक परख उतर जाता है इसकी खाल जैसी, तो ये सफ़ेद बिल्कुल हो जाता है। और यहाँ पर मुँह देखिए, बिल्कुल छोटा सा मुँह है इसका, और देखने में भी अच्छा सा लगता है। और ये जब छिल जाता है तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब ये खूबसूरत हो जाता है बिल्कुल। ये मछली भाई मैंने लिया है, 10 किलो हुआ देखो। और ये है नमका पानी का मछली, यानी समंदर का मछली। ये देखिए, ये थोड़ा बर्फ का मछली है, तो इसका कुछ और करते हैं हम लोग। ये देखिए भाई, गोल्डन मछली, ये 110 रुपये किलो है। इस तरह का गोल्डन जो है बड़ा बड़ा साइज का, 1 किलो का है, 1 किलो से थोड़ा बड़ा है। ये मछली है गोल्ड घास का मछली, मतलब ये मुराकी जैसी ही होती है, लेकिन ये जो है ना इसको घास का बोलते हैं भाई। यहाँ पर देखो बड़ा सा एक मछली रखा है, इसको कहते हैं समंदरी सोल। उसके बाद माही मछली, इसी तरह लाइन लगा रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना बड़ा एक जो है ना छपकली मछली है। ये देख सकते हैं कितना लंबा है भाई, इसकी चोंच देखिए, ये भी कितना ख़तरनाक वाला है। ये देख सकते हैं मोबाइल में छोटा लग। यहाँ पर देख सकते हैं ये है चीतल मछली। चीतल और जो है ना फ्लाई मछली एक जैसी होती है, फ्लाई थोड़ी छोटी होती है और चीतल जो है वो बड़ी हो जाती है। देख सकते हैं इस तरह की दोनों मछली सेम है बिल्कुल, साइज में जो है ना फर्क होता है। यार ये देख रहा हूँ मैं लेने के लिए, आंखें देखो, मतलब कितना ताज़ा नहीं है, थोड़ा सा जो है ना मीडियम साइज का है, मीडियम मतलब ताज़ा है ये। यार लोग कहते हैं हम एक पीस मछली ही खा पाते हैं, तो भाई मैं ये वाली मछली दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं चील मछली। इसका एक पीस होता है 10 किलो से ज़्यादा का, देखो इधर से देखो, 10 किलो से ज़्यादा का एक पीस है बस। भाई जिनको कांटे से डर लगता है वो ये खा सकते हैं। ये 150 रुपये किलो आराम से मिल जाता है इस मंडी में। इसको कहते हैं कौवा मछली, देखो इसमें बड़ा साइज भी। मैंने जो है ना एक भिटकी मछली देखा है कुछ, और उनको देखने के लिए बुला रहे हैं अभी, मैंने इनका रेट किया था। दिखाओ इधर, मैं पन्नी लेके आ रहा हूँ ना। हाँ रुक जाओ, पन्नी में तोलेंगे अभी, रुक जाओ। 7 किलो रुक तो जाओ, ये फॉर्म वॉर्म में भी है। रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, पन्नी लेके आ रहा हूँ ना। 7 किलो
छोटा छोटा पीस है ना, 500 रुपए बिक रहा है थोड़ा बड़ा वाला, ये वाला साइड। अच्छा जी, ये क्या समंदर का होता है ना? कैसा होता है? भटकी भटकी, आपको भी नहीं पता किस पानी का होता है, नमके पानी का होता है ये। छः किलो 900, पानी भी है पन्नी भी है। यहाँ पर मैंने अभी 550 रुपए का मछली लिया है, तो मुझे मैंने दिए 1000 रुपए उनको और मुझे दिए 250 रुपए वापसी, और मैंने हिसाब करके देखा तो 200 रुपए और जो है ना गलती से रह गए थे मेरे वहाँ पर। फिर मैंने अच्छी तरह दिमाग लगाया तो मैंने उनको कहा कि तुमने कितने दिए, फिर मैंने उनको जब हिसाब दिखाया ना फिर उनको 200 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़े मुझे, क्योंकि हिसाब करके ही लेना यहाँ से मछली, क्योंकि भाई दिमाग उनका भी जो है ना चला रहता है, इतने लोगों को उनको भी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए खुद भाई अपना हिसाब करके ले सब कुछ। देखो भाई ये मैंने डब्बे में डाल दिया है, इतना मछली था भाई, देखो इसमें बड़े भी है छोटे भी हैं। चलो फिर।